पहुंचे हैं साइकिल रैली के माध्यम से। आजादी का अमृत महोत्सव तो पूरा देश मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आगाज लेकर जो पूरी टीम चली है इस महोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए, मनाने के लिए, उसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्होंने जो कुर्बानियां हमारे देश के लिए दी हैं, उनके अलख जगाने के लिए हमारे युवाओं के बीच ये साइकिल रैली निकाली गई है, ताकि हमारे युवा इसे सीख ले सकें। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है सभी महानुभाव के माध्यम से। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से यहां तक लाने के लिए हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ हमारे विभिन्न गैर सरकारी संगठन, हमारे एनजीओ जो हैं, हमारे जिला की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं जो हमेशा तत्पर रहती हैं किसी भी कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए, वो तमाम संस्थाएं एकजुट से होकर यहाँ पर आई हैं। रमेश माटा जी, भीम सचदेवा जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, कृष्ण रेवड़ी जी, नवल जिंदल, तरुण गांधी जी, उनकी पूरी टीम, जुगल आहूजा जी, हरीश अरोड़ा जी, उमन पाल सिंह जी, सतीश चुग जी, हरिचंद आनंद जी, अनिल बजाज जी, एमसी पवन गोगलियान जी, एमसी श्रीमती अनिता परूथी जी, श्री सुरेश अरोड़ा जी, सुनील गरोवर जी, मीनाक्षी नारंग जी, मंजीत कौर जी, विजय जैन जी, हमारे पार्षद महोदय हैं सारे सारे, सुंदर वधवा जी, शकुंतला गर्ग जी एमसी हैं, ये भी सुमन छाबड़ा जी वार्ड नंबर 15 से एमसी हैं, बसंत राम जैन जी, जोगिंदर खुराना जी, मुकेश सुटेजा जी, तेजवीर सिंह जी, सुरेंद्र परूथी जी, जो जो नाम मेरे आए हैं मैं पुकार रहा हूँ, राजा सिंह जी, श्री गुलशन जी, चंचल डावर जी, चमनलाल गुलाटी जी, अंजलि शर्मा जी हमारे एमसी हैं, लाजपत मल्होत्रा जी, हरबंश आनंद जी, चमनलाल गुप्ता जी, हरीश सोनानी जी, ये तमाम वो नाम जो मैंने आपके सामने लिए हैं, ये सारे के सारे वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब भी पानीपत के जिला प्रशासन को किसी भी आपदा की घड़ी में इनकी जरूरत पड़ी है, ये तमाम लोग एकजुट होकर एक ही मंच पर इकट्ठे हुए हैं और उस कार्य को इन्होंने आगे पहुंचाया है, लक्ष्य तक पहुंचाया है। आज फिर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इसमें माननीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री महिपाल झांडा जी, हमारे लोकप्रिय मेयर श्रीमती अमित कौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष